अमिताभ बच्चन की ज़्यादातर फिल्में उनके फैंस को याद होगी, खासतौर पर फिल्म हम और उसका गीत जुम्मा चुम्मा दे दे। अगर गीत भी याद होगा तो आपको किमी काटकर की भी याद होगी। हम फिल्म का यह सुपरहिट गीत अमिताभ बच्चन और किमी पर फिल्माया गया था 1991 में। इस फिल्म के बाद किमी मुश्किल 3-4 फिल्मों में ही दिखाई दी थी और फिर गायब हो गई। इस खबर में किमी काटकर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 11 दिसंबर 1965 को जन्मी किमी काटकर का करियर बहुत ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फिल्म की और जिस तरह से उनका करियर ग्राफ रहा वो उस समय के लिए लिहाज से काफी बिंदास है। 1985 में पत्थर दिल फिल्म से किमी ने सहायक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उसी साल वो टार्जन मैनेजर आई। उस फिल्म में किमी अपने बोल दस्यों के लिए आज भी याद की जाती हैं। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया। खास बात यह है कि किमी की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुआ करते थे, बड़े पर्दे पर भी वो काफी बिंदास नजर आती। किमी ने जब अमिताभ बच्चन के साथ हमसे जुम्मा चुम्मा के किरदार में काम किया और जब जुम्मा चुम्मा दे दे गीत उन पर फिल्माया गया तो वो गीत सबके जुबा पर चढ़ गया। वहाँ से उनका करियर एक नई ऊंचाई छू सकता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत सोच समझ कर फिल्में करनी शुरू कर दी। उनकी आखिरी फिल्म हमला थी जो 1992 में आई थी। फोटोग्राफर और एड प्रोड्यूसर सुतान शांतनु सेयोरे से शादी करने के बाद फिर वो कभी फिल्मों में नहीं दिखी और उसके बाद वो लंबे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गई। वर्तमान में वो पुणे में अपने पति और इकलौते बेटे के साथ रहती हैं। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज इंडियन और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।